हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड की। तो स्टॉक सही चल रहा था, सारी चीज़ें सही थी, स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम पे था। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की दिशा पर ही जा रहा था कुछ ऐसे से, बट सडनली स्टॉक के यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला है। ड्रॉप है क्योंकि स्टॉक के जब नतीजे आए हैं कुछ, और नतीजे के बाद आप देखोगे तो स्टॉक ने एक नोमूरा जो रिसर्च फर्म हैगी उन्होंने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, और डबल डाउनग्रेड करी है। पहले वो बाय थी, अब वो न्यूट्रल कर दी उन्होंने। तो ये रीज़न है स्टॉक में हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है आज। और फिलहाल स्टॉक एक अपने सपोर्ट पे आके रुका है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक अगर अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाता है ऊपर कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर ये स्टॉक भी आपको फॉल होते हुए दिखेगा। और कुछ यहाँ तक स्टॉक के अगला जो टारगेट रहेगा स्टॉप लॉस का, वो यहाँ पर आ सकता है स्टॉक सपोर्ट लेने के लिए। फर्दर ड्रॉप होता है तो स्टॉक यहाँ रेंज तक आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा हैगा तो यही कह सकते हैं जब से नतीजे आए स्टॉक फॉल ही दिखा रहा है। और ये फॉल दिखाना जायज़ सी बात है, क्योंकि स्टॉक आप देखोगे नतीजे सही आ रहे हैं बट कहीं ना कहीं एस्टिमेट मिस हो रहे हैं। तो यही सारे स्टॉक में चल रहेगा, कोई नई बात नहीं है, स्टॉक ऐसे ही चल रहे हैं सारे। और मैंने पहले भी कह रखा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि क्रॉम्पटन जिस हिसाब से आज फॉल हुआ है तो लोगों के स्टॉप लॉस बहुत हिट हुए होंगे। वैसे बुरी कंपनी नहीं है क्रॉम्पटन, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी इशू करती है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के जो डिविडेंड है वो 3 रुपये का दिया है इनने, 21 अगस्त को इसके पेमेंट डेट है। कि पहले भी डिविडेंड कंपनी ऐसी देती है, 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के विज़न के हिसाब से। फिलहाल कंपनी थोड़ा एक बियरिश मोमेंटम रखेगी कुछ समय के लिए, तब फिर अपनी ऊपर की रैली दिखाएगी। क्योंकि स्टॉक का जो हाई आप देख रहे होगे तो ऑलरेडी वो 512 के अराउंड है, वहाँ से स्टॉक नीचे आएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। कुछ दिन बाद जब स्टॉक एक सस्टेन हो जाएगा और अपनी थोड़ी शांतिपूर्ण तरीके से स्टॉक अपनी दिशा निर्धारित करेगा, तब आप इसमें बाइंग मोमेंटम देख सकते हो, बाय कर सकते हो। कहीं 270 के आसपास या 258 के अराउंड आपकी बाइंग्स यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ ज़्यादा लंबे रिटर्न्स नहीं चाहिए आपको। अगर इतने रिटर्न्स भी आप निकाल लोगे तो 30% का प्रॉफिट आप इजीली कैप्चर कर लोगे। ऑलमोस्ट एक महीने का ये रन रहेगी, 1 से 1.5 महीने में आपके 30% के रिटर्न निकल आएंगे और सेफ रिटर्न रहेंगे कहीं ना कहीं ऐसे इक्विटीज़ पे। एक नज़र आप यहाँ भी डाल लें नतीजों पे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। सेल्स इनकी 1877 CR की रही है, हर बार से तो बढ़ी हुई है। एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कंपनी के बढ़ गए होंगे, आप देखोगे 1600 करोड़ के अराउंड के इनके एक्सपेंसेस रहे हैं। इंटरेस्ट कंपनी का कम हुआ है और डिप्रिसिएशन भी कम हैगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 156 है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं। एक्सपेंसेस अगर ये कंट्रोल्ड होते थोड़े तो फिर आप नेट प्रॉफिट आज अच्छा पाते, तो कंपनी का चार्ट भी थोड़ा आपको बेहतर देखने को मिलता। यही रीज़न है स्टॉक फॉल हो रहा है, बट एज इन कोई बुरी वो नहीं है, इतना ऊपर नीचे होता है। बट सबसे बड़ी बात है कंपनी स्टिल प्रॉफिटेबल हैगी, तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन करके या थोड़ा बियरिश होके फिर से अपनी दिशा ऊपर ही की तरफ जाएगा स्टॉक। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।